अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 और 10। लास्ट टाइम फिजिक्स के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो वही कंटिन्यू है, लेकिन आज कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स में आपके पास। आज जो आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है मोशन अंडर ग्रेविटी के, ठीक। तो ये टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया था और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया था, तो आज देखिएगा ज़रा कि हम किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, इनकी इक्वेशंस क्या होंगी। तो आइए ज़रा देखें, आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। अ बॉल इज ड्रॉप, एक बॉल ड्रॉप हो रही है फ्रॉम अ टावर, एक टावर से एक बॉल को फेंका जा रहा है, ठीक है। इट रिचेज द ग्राउंड, और जब वो ग्राउंड पे पहुंचती है इन 10 सेकंड के अंदर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। आपने करना क्या है, हाइट मालूम करनी, विच मीन्स एच मालूम करोगे आप हाइट ऑफ द टावर, एंड द वेलोसिटी विच इट हिट द ग्राउंड, और वो वेलोसिटी मालूम करोगे जिससे वो हिट करेगी ग्राउंड को बॉल, ठीक है। तो इसके लिए देखें, जिस तरीके से हर न्यूमेरिकल आपके पास हम कर रहे होते हैं, तो इस न्यूमेरिकल के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप क्या मालूम करोगे, सबसे पहले आप इसका डेटा फाइंड करोगे, ठीक। तो डेटा देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो ज़रा देखते हैं। फिर याद रहे, ये जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं कि कोई बॉल या ड्रॉप फेंकी जा रही है हिट द ग्राउंड, ये सारे आपके पास मोशन अंडर ग्रेविटी के होते हैं। किसके होते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप देखिएगा ज़रा, मैं आपके सामने डेटा बना रहा हूँ, तो याद रखें वी आई, देखें अगर वो बॉल ड्रॉप हो रही है टावर से, तो देखें जो शख्स भी उसको टावर तक लेके गया है, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है हाथ में थी बॉल। अगर मैं एक 4 मंजिला इमारत में जाता हूँ और मैं हाथ में बॉल पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब मैं उस जब मैं 4th फ्लोर तक पहुँचूँगा तो बॉल मेरे हाथ में, तो इसका मतलब वो हालत सुकून में, रेस्ट में, तो इसका मतलब वी आई जो है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, वो 0 मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये 0 मीटर पर सेकंड इनवर्स है मेरे पास, याद रखिएगा, क्योंकि जब तक वो चीज़ मेरे हाथ में मैंने फेंकी नहीं है अभी, तो क्या होगा, वो 0 होगी वेलोसिटी उसकी, ठीक। अच्छा, अब उसके सेकंड देखिएगा, अब जब एक और चीज़ होती है, आपको मैंने पढ़ाई थी वैल्यू, अच्छा टाइम देख लें, रिचेज द ग्राउंड इन 10 सेकंड, तो टाइम आपको दिया हुआ इन्होंने कितना यहाँ पे 10 सेकंड, इसको लिख लें पहले, सही। इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, अच्छा एक चीज़ आप यहाँ देखिएगा, कहते हैं कि जब वो बॉल हिट द ग्राउंड, जब ज़मीन पे आके टकराएगी, तो याद रखें ज़मीन किसी भी, अगर आप कोई चीज़ ऊपर से फेंक रहे हो तो ज़मीन एक कुव्वत से उस चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती है, और वो चीज़ क्या होती है, वो आपके पास ग्रेविटी होती है, ठीक है। और ग्रेविटी की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, हम यहाँ राउंड ऑफ वैल्यू लेंगे, जो कि हमारे पास कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एट द एंड हमें मालूम क्या करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है, कौन सी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और साथ में क्या मालूम करना है हमें, हाइट मालूम करनी है, मतलब ऊंचाई मालूम करनी है कि कितनी ऊंचाई से वो बॉल फेंकी गई है, ठीक। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखें, फिर बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वो अप्लाई कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन है एच इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते थे, यहाँ हम क्या लेंगे, जी डी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। एच मालूम करना है, एच को आप ऐसे ही रखेंगे, वी आई आपके पास 0 है, टाइम आपके पास 10 है, प्लस 1/2 को आपने ऐसे ही रखना है, जी आपके पास जो है वो 10 है, और टाइम जो है वो आपके पास वो भी 10 का स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। अब ज़रा गौर से देखिएगा, एच को ऐसे ही रखूँगा, एच ऐसी जो है वो सेम मौजूद है, 0 × 10 जो होता है वो 0 होता है, इस वजह से मैं इस वाले हिस्से को नहीं लिख रहा, वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1/2 मैंने एज इट इज़ रखा, 10 मेरे पास मौजूद है, और 10 का कितना होता है, 100 होता है, यहाँ पे कट ऑफ कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो ऊपर रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, 1 × 5 × 100, तो 5 × 5 और 500 का कितना हो गया आपके पास, 500 हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा, हाइट हमेशा मीटर में लेते हैं, तो एम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि ये मीटर में, ये हमारे पास यहाँ क्या हो गई, ये हाइट मालूम कर ली। अब मालूम करनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाएंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी डॉट डालूंगा, पहले मेंशन करवाऊंगा कि भाई ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता था, लेकिन अब मोशन अंडर ग्रेविटी है तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस जी टी, ठीक। ऑलरेडी फॉर्मूला मिला हुआ है, वी एफ सेपरेट है, तो वी एफ को मैं ऐसे ही रखूँगा, वी आई मेरे पास 0 था, प्लस जी की वैल्यू 10 है, और टाइम भी मेरे पास कितना है, 10 है, ठीक है। तो वी एफ आप ऐसे ही रखोगे बेटा, 0 आपके पास 0 रहने देंगे आप, सही है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, और 10 से कितना हो गया, 100 हो गया, और वेलोसिटी किस में ली जाती है, एम एस माइनस 1 में। तो इस तरीके से बेटा देखिएगा, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, और यही आपका क्या है, आंसर है, 2 चीज़ें मालूम करने के लिए बोली थी। अब ज़रा नेक्स्ट में देखिएगा, ये जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक, और इस जैसे जितने भी बुक में न्यूमेरिकल मौजूद हैं वो आप खुद करेंगे। अ स्टोन इज़ ड्रॉप
एक स्टोन जो एक पत्थर है इसको फेंका जा रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे भी टावर है। अब बैक पे एक बॉल को फेंका जा रहा था, अब यहाँ पे एक स्टोन को फेंका जा रहा है। बुक में मौजूद है ये टू टेक अ 5 सेकेंड, जो कि तकरीबन जो है आपके पास 5 सेकेंड का वक्त ले रहा है, ठीक है, टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुँचने में 5 सेकेंड का वक्त चाहिए उसे, वो ज़मीन पर वापस आएगा। कैलकुलेट करना है आपने हाइट ऑफ द टावर, आपने सिर्फ हाइट मालूम करनी है। अब इसमें आपने फाइनल इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं करनी, लेकिन काम है, डेटा है, डेटा में बनाएंगे हम इसको। तो ज़रा गौर से देखिएगा आपने क्या करना है। अब यहाँ पे एक स्टोन ड्रॉप हो रहा है, ठीक, तो जाहिर सी बात है जो भी शख्स स्टोन जो उस पत्थर को लेके जाएगा ऊंचाई तक, वो अपने हाथ में पकड़ के लेके जाएगा ना, तो वो उस वक्त पत्थर क्या है, रेस्ट में, उसको फेंका नहीं है उसने। तो मैं आपको सिर्फ डेटा बनवा रहा हूँ, सोल्यूशन आप इसका खुद करेंगे। तो वी आई आप क्या करोगे, 0 ms inverse, मतलब 0 m/s इन्वर्स है आपके पास, सही। टाइम कितना ले रहे हैं आपके पास, टाइम यहाँ पे 5 सेकंड का दिया हुआ है। इसके साथ आप देखें आपके पास आपने मालूम क्या करनी है, आपने हाइट जी आपको ऑलरेडी खुद बता रहा है, वो जो वैल्यू लेनी है वो 10 ms-2 लेनी है, जबकि आपने यहाँ पे हाइट मालूम करनी है, ठीक है। तो आप ज़रा देख लीजिएगा गौर से, फॉर्मूला जो आप लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे h = vit + ½ gt² ठीक है स्टूडेंट, बस यहाँ तक बता रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन आपने खुद करना होगा, आपकी इजीनेस के लिए मैंने आपको डेटा बनवा दिया था, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू आपके पास न्यूमेरिकल्स ही होगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएंगे सारे न्यूमेरिकल्स, और इस मतलब जितने भी आपके पास मोशन अंडर ग्रेविटी के टॉपिक से रिलेटेड जो आपके पास है न्यूमेरिकल, वो आपने खुद भी सॉल्व करना है और कॉपी चेकिंग के लिए भेजनी है। आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।